आने शुरू हुए, तब से पहले दिन से आम आदमी पार्टी ने खुलकर कहा कि ये अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है, कि उनको किसी जांच के लिए नहीं बुलाया जा रहा, उनको गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जा रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सभी मीडिया चैनल के साथी हमसे पूछा करते थे कि जी ये तो एक समन है, आप कैसे कह सकते हैं कि गिरफ्तार हो जाएंगे, आपके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वो कि अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो जाएंगे। जब अरविंद केजरीवाल जी को समन आने शुरू हुए तो आम आदमी पार्टी ने खुलकर कहा कि ये ईडी के समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के समन है। फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे आकर कहते थे कि नहीं जी, ईडी तो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, हमारा तो इस जांच से, समन से कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी झूठ बोलती रहती है। लेकिन आज अमित शाह जी के एक इंटरव्यू ने भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश कर दिया। अमित शाह जी ने खुद कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार, उनकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का पहले दिन से इरादा था कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला जाए। अमित शाह जी का ये बयान ये साफ कर देता है कि ये पूरा एक्साइज पॉलिसी का मैटर और जो उसकी जांच 2 साल से चल रही है, एक सोची समझी साजिश है, एक सोचा समझा षड्यंत्र है, आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए।